मंगलसूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको नायलॉन का धागा चाहिए। मंगलसूत्र की लंबाई आप जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप लंबाई ले लें और उसे तीन या चार जितनी भी लरी में आप बनाना चाहते हैं मंगलसूत्र, तो उसे डिवाइड करके गांठ लगा लें। मुझे मंगलसूत्र छोटा मंगलसूत्र बनाना है, इसलिए मैं अपने पुराने मंगलसूत्र से नाप ले रही हूँ और इसे तीन भागों में मैं डिवाइड कर लूँगी और मैं इसे गांठ लगा लूँगी। सबसे पहले आप उसमें आपका कुंडा जो होता है वो आप डाल दें, उसके बाद आप तार से, मुझे तार से मोती पिरोना बहुत सही लगता है, वो निकालने में मुझे बहुत इजी लगता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि किन किन सामग्रियों का यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हम मंगलसूत्र बना सकते हैं। मोती, तार, मैं सुई का यूज़ नहीं करती, मुझे तार जो लाइट वाली तार होती है, जो पतली 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 तार होती है वो निकाल लीजिए आप सिंगल और उसे डबल करके धागे में डाल दीजिए। और अब धागे को मजबूत करने के लिए आप नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेल पेंट से आप धागे को लगा दीजिए तीनों में एक साथ करके, इससे धागा बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकता है मंगलसूत्र, टूटता नहीं है धागा। तो मैं ये ट्रिक का हमेशा यूज़ करती हूँ मंगलसूत्र बनाने में, नेल पेंट का यूज़ करती हूँ। आप उसे नीलों में ले लें और बढ़िया से पूरे धागे में लगा दें। अब सिंगल सिंगल धागा कर लें और मोतियाँ डालना चालू करें। सबसे पहले तीनों को एक करके आपको उसमें हुक लगाना पड़ेगा, जैसा हुक आप चाहती हैं वैसा आप लगा दें उसे, सबसे अंदर डाल दें। तार ले लें आप, तार को ऐसे डबल कर लें, अच्छे से फोल्ड कर लें। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी से मंगलसूत्र बनता है, आप घर पे ही आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, तार आपको मिल जाएगा, बढ़िया छोटे छोटे तार आप ले लें, उसे धागे में बीच में फंसा लें और उसके बाद फिर मोती डालना चालू करें। ये देखिए मैं दो लॉकेट का मराठी माला बना रही हूँ, छोटा माला बना रही हूँ मैं। आप देखिए कितना इजी होता है तार से डालना मोती। इस तरीके से आप मोती डाल दें अपना मंगलसूत्र बना सकते हैं घर पे ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक